नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश जोशी और मैं खटीमा उत्तराखंड का रहने वाला हूं और एसलेपिस वेलनेस का एक फाइटर हूं। और आज इस समय गढ़वाल के एक कोटदार शहर में आया हुआ हूं। यहां पर हम पिछले महीने हमारे सुरेंद्र बिष्ट जी, जो कि रामनगर से बिलोंग करते हैं, इनके माध्यम से यहां पर आए हुए थे और यहां पर हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रिजल्ट हमारे एसलेपिस वेलनेस के प्रोडक्ट के माध्यम से मिला है। तो हम उन्हीं की जवानी इसके आगे की बात को जानेंगे। आपको नमस्कार। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। सावित्री देवी जी, कहाँ से, कहाँ के रहने वाले आप? लक्षमपुर कोटदार के। ओके, तो आप बताएंगे कि आपको क्या समस्या थी? मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी थी जी। और गैस थी, ब्लड प्रेशर होता था, मगर जब से मैंने ये दवाई इस्तेमाल करी तब से काफी आराम है। मतलब आपको सांस की समस्या थी? हाँ जी, हाँ जी। ये सांस की समस्या के लिए आप क्या इस्तेमाल करते थे पहले, मतलब क्या लेते थे, क्या कितने समय से ये प्रॉब्लम थी आपकी? 18-19 साल से ये समस्या थी। हाँ जी। 18-19 साल से आप इसका इलाज वगैरह कहीं करा रहे थे? हाँ जी। यहाँ कोटदार दिखाया। अच्छा, मैथानी डॉक्टर है। मैथानी डॉक्टर कोटदार में दिखाया आपने जी। और देहरादून ले गए थे। देहरादून भी दिखाया। अच्छा, कहीं से फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब कितने समय से आप इलाज करा रहे हो पिछले 18-19 साल से? 18-19 साल से। आपने कुछ पैसा क्या खर्चा करा होगा इसके पीछे? काफी पैसा लग गया भाई। कोई इसकी काउंटिंग, कोई गिनती है आपके पास? कहीं लाखों लग गया होगा। लाखों रुपए लग गए। हाँ। मतलब आपने पूरा प्रयास करा। इस समय आप जो अंग्रेजी दवाई गोलियां इस्तेमाल कर रहे थे उसमें क्या इस्तेमाल कर रहे थे? क्या पंप वगैरह भी लेते थे? पंप भी लेती थी। अच्छा, पंप लेते थे आप? हाँ जी। कितना पंप लेते थे दिन में? मैं हर समय लेती थी। अच्छा। और अब मतलब सुबह हर समय का मतलब क्या हुआ कि आप 1 घंटे में या 2 घंटे में? मतलब 1 घंटा। दिन में कितनी बार लेते थे? 4 बार लेते थे। दिन में 4 बार लेते थे। अच्छा, दिन में 4 बार पंप लेते थे तब आपको रिलीफ होता था? हाँ जी। चलिए दोस्तों, ये सांस की प्रॉब्लम थी इनको, अस्थमा दमा की समस्या थी, बीपी भी का भी प्रॉब्लम था और इनके पेट भी जो है सही काम नहीं करता था। तो पिछले 1 महीने से आप हमारे एसलेपीएस के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? तब से काफी फर्क पड़ा हुआ मुझे। 1 महीने में इन्होंने हमारे प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करे थे, यहाँ पर एक एलर्जी डॉग है ये, और इसके साथ एक जेसी ऑयल है, पंच तुलसी है, कब डॉग है और साथ में एक इम्यूनो डॉग यहाँ पर दिया गया था। और इन प्रोडक्टों को ये पिछले आप कितने समय से ले रहे हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीना लेके आपको हमारे प्रोडक्ट से कितना प्रतिशत फर्क पड़ा है? 50% फर्क पड़ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं। कोई झूठ तो नहीं है, किसी का दबाव तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सही बात है। और अब मैं ऑक्सीजन एक सुबह लेती हूँ और एक शाम को बस। मतलब पहले जो आप 4 बार लेते थे अब एक सुबह ले रहे हो, एक शाम को और एक शाम को। पहले आप किस तरीके से ऑक्सीजन लेते थे? जैसे बाहर से कहीं काम करके आओ तो फिर ऑक्सीजन लेना। अच्छा। या फिर चढ़ाई ऊपर नीचे करना तो फिर ऑक्सीजन लेना। मतलब तो दोस्तों देखिए, इतना क्रिटिकल इनको समस्या थी जिसके लिए इन्होंने एलोपैथ से लेके कई प्रकार के सहारा लिया लेकिन कहीं भी फर्क नहीं पड़ा। आज हमारे ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आपके सामने खुद से बता रहे हैं कि 50% मुझे रिलीफ हुआ है। तो मैं जानना चाहूंगा इनकी बेटी से, बेटा आपका क्या नाम है? मेरा हर्षिता नेगी। हर्षिता, बेटा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। क्या ये पिछले कई समय से परेशान थे? हाँ जी। ये वीडियो आपको किसी दबाव में तो नहीं बनाया जा रहा है? बिल्कुल सत्य बात है। हाँ जी। चलिए, और साथ में हमारे सुरेंद्र बिष्ट जी, इनके माध्यम से हम आए थे। बिष्ट जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं रामनगर से आया हूँ। ये हमारी चाची जी हैं, इनको 18 साल से परेशानी थी, इस वजह से इनको प्रोडक्ट दिलवाए और काफी आराम है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे संस्था के MD जिन्होंने इतने बेहतरीन चीज पूरे हिंदुस्तान में लोगों के घर घर तक पहुंचाने की मुहिम चलाई है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द आप क्या धन्यवाद कहना चाहेंगे या नहीं? थोड़ा जोर से बताइए। कहती हूँ कि दोस्तों जो भी है आप लोग भी लीजिए ये दवाइयाँ और काफी आराम मिलेगा आप लोगों को। मैं यही कहना चाहती हूँ।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे संस्था के एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी का और हमारे गुरुजनों का, जिन्होंने इतना अच्छा अवसर हमें प्रदान किया है कि हम घर घर जाके लोगों की इस समस्या को निजात करा पा रहे हैं और लोगों को इस मुहिम में शामिल कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।